शहर में बाढ़ की स्थिति से निपटने को तैयार नगर निगम अमला। बारिश के पहले हुई नालों की सफाई तो किसी भी प्रकार की आपात की स्थिति को देखते हुए बनाए गए हैं राहत केंद्र। बारिश के मौसम का इंतजार तो हर किसी को होता है, पर रीवा वासियों के लिए कई बार ये बारिश आफत लेकर आती है। शहर के कई इलाकों में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था ना होने के कारण और निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को बाढ़ जैसे हालातों का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए इस बार नगर निगम अमले ने बाढ़ जैसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारी कर ली है। शहर के सभी वार्डों में नालियों और नालों की सफाई करवा दी गई है, जिससे कि जल भराव की स्थिति निर्मित ना हो। तो वहीं नदी के आसपास और निचले इलाकों में ज़्यादा बारिश होने पर बाढ़ की स्थिति निर्मित हो सकती है, जिसे देखते हुए राहत केंद्र भी बनाए गए हैं। साथ ही नाव और गोताखोर को भी तैयार कर लिया गया है। इस बारे में नगर निगम के अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ला ने हमें बताया। मुख्य ऐसा है कि पहली बात यह है कि हमने बाढ़ में, तो आप देख रहे हैं कि अभी फिलहाल आप खुद देख रहे होंगे, डेढ़ दो महीने हो गए, कहीं भी कोई अपनी स्थिति नहीं आई। सब जगह हमारा पानी का फ्लो प्रॉपर है, कहीं भी ऐसी कोई बॉटल लीक नहीं है, कहीं भी आपको अचल प्लावन की स्थिति आपको नहीं दिखी है। हमारे जो सबसे सेंसिटिव एरिया हुआ करते थे, जैसे मेहनगर, तो आपने देखा होगा हमने भरी बरसात पर इस रस्ता पर हमने काम शुरू किया। न केवल काम शुरू किया बल्कि वो काम पूरा भी हो गया है, और काम करते वक्त भी हमने ऐसी व्यवस्था की थी कि पानी की निकासी प्रॉपर रहे, तो एक बड़ा कदम था वो। और इसके लिए हमने लगभग स्टार वाटर के लिए लगभग 17 करोड़ रुपये हमारे मंजूर हैं, और क्रमशः हम एक साल के अंदर तो पूरी परमानेंट व्यवस्था ही किए दे रहे हैं कि वो किस प्लान किसी बनने ही नहीं पाएगी। बड़े बड़े नालों की सफाई हो चुकी है, कहीं कोई बॉटल लीक नहीं है। अमहैया में अगर आप देखें तो अमहैया में पुल का एक बॉटल लीक थी, छोटी सी पुल, तो हमने उसको बड़ी पुल बना दिया है। अब वहाँ पानी की कहीं कोई स्थिति ऐसी नहीं है, अवरोध नहीं है, कोई बॉटल लीक नहीं है। निचले इलाकों को लेकर क्या है? मैं आपको इन सारी चीज़ों में जा रहा हूँ। मैं, आपने देखा होगा कि राइन तालाब, जहाँ वो सिंधी कॉलोनी है, उसके पास पिछली बार बहुत बड़ी घटनाएँ घटी, काफ़ी लोग परेशान हुए, घंटों वहाँ लगभग किस्ती बनी थी, तो हमने वहाँ बहुत बढ़िया सब काम कर दिया है। पानी सुगमता से वहाँ निकल रहा है, ढोला वाला सब करा के बिल्कुल तैयारी कर दिया है। इवन तैयारी न केवल कर दिया बल्कि बड़े टेंडर के साथ हम नाला भी वहाँ बना देंगे, लेकिन अभी शॉर्ट रन में हम सारी व्यवस्था कर दी है। नेशनल हाईवे में कोई भराव नहीं है, बल्कि पक्का नाला बहुत जल्दी वहाँ बनने जा रहा है, तो वही परमानेंट व्यवस्था हो जाएगी। ये तो हो गई हमारी, कहीं भी ऐसी स्टार वाटर की वजह से कोई अपनी स्थिति बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि बड़ा स्मूथ गोइंग है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कभी ऐसा लगता है आपको कि रीवा में फ्लड के कारण नदियों में बाढ़ आती है, वो दूसरा एक वजह हो सकती है, तो उसके लिए भी पूरी तैयारी हमारी है। लोन एरिया चिन्हित हो गए हैं, उनको हम अगर तुरंत के लिए, हमारे कई जगह स्थान चिन्हित हैं कि कहाँ हमको उनको बसाना है, कहाँ उनको रखना है, कहाँ, जैसे आप देखे होंगे जी कॉलेज हमारा वहाँ पर हमले जाते हैं, वहाँ के जो मैंने बंदर कॉलोनी कभी कभी सेंसिटिव एरिया होता है, तो वहाँ के लोगों ले जाके हम जी कॉलेज में बैठा देंगे। ऐसे ही टी आर एस कॉलेज में बैठने की व्यवस्था, लोगों की व्यवस्था है। ऐसे 5-6 जगह हमारी चिन्हित हैं जहाँ हमको ले जाके बैठा देते हैं, और उनका खाना पीना और सारी टीम एक बनाई हुई है, कलेक्टर मैडम के अध्यक्षता में टीम भी बनी हुई है, जो अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आई तो उसकी सारी चीज़ों के लिए हमारी तैयारी है। फिर गोताखोर नाव की व्यवस्था हमारी है, बकायदे आपने देखा होगा राय तालाब हमारी सब नाव रखी हुई है, गोताखोर तैयार बैठे हैं। तो कोई ऐसी अगर आपको लगता है कि 24 घंटा बारिश हुआ, बहुत बड़ी कोई अपनी स्थिति पैदा हुई, तो उसकी भी तैयारी हमारी पूरी की पूरी है।